अंदाजा था हमारा 2200 करोड़ का, तो पहली नजर में मुनाफा थोड़ा सा माफ कीजिएगा उम्मीद से हल्का सा कम आता दिखाई मुनाफे का आंकड़ा, लेकिन बाकी डेटा भी हम देखेंगे आराम से और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वाकई में नतीजे किस तरह के रहे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आपके सामने आते दिखे हैं वो मुनाफे का आंकड़ा 1928 करोड़ का है इस वक्त। दीप और रिजल्ट में डिटेल्स जो आपके सामने हैं जल्दी से बताएं प्लीज। बिल्कुल सर, नतीजों का इंतजार था और अच्छे नतीजों का ही अनुमान लगा रहे थे हम बाजार पे। कंसोलिडेटेड बेसिस 38,500 करोड़ के आय का हमारा अनुमान था, जिस तरह से परफॉर्मेंस कंपनी की बढ़ रही है। मुनाफा काफी अच्छा वैसे बढ़कर आया है, अगर आप पिछले हिसाब से देखें मुनाफे के हिसाब से देखें तो लगभग 3 गुना की बढ़त है, बट अनुमान से थोड़ा कम है। कंजो आय इनकी आई है 29,300 करोड़ की, तो अगेन थोड़ी अनुमान से कम आती हुई दिखी है। नतीजे अच्छे हैं सर, बट उतने अच्छे नहीं है जितना अनुमान लगाया जा रहा था। पर अगर आप पिछले साल की बेस देखें तो ऑफकोर्स लोअर बेस भी थी उस समय में, वहां से अगर आप देखें तो अच्छे ही नतीजे आते हुए दिखे हैं एज एक्सपेक्टेड, बट शायद बाजार की थोड़ी और दमदार नतीजों की एक्सपेक्टेशन थी उतने नहीं रहे हैं। बट फिर भी कंपनी का कहना है कि इनकी जो एल्यूमिनियम का इंडिया बिजनेस है उसमें रिकॉर्ड सेल्स रही हैं, एल्यूमिनियम कारोबार का एबिटा नए रिकॉर्ड पर आपको आते हुए दिखा है वहां पर अच्छा है, ऑल टाइम हाई नोवेलिस का एबिटा आते हुए दिखा है कंपनी की तरफ से, तो काफी सारे फर्स्ट है। परफॉर्मेंस लोअर बेस पर अच्छी आई है बट उतनी तगड़ी नहीं है सर जितना बाजार को अनुमान था इनकी परफॉर्मेंस का। ओके तो ये है आपके लिए हिंडाल्को के नतीजे, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, जो एक बेहतरीन और दमदार कॉल आने की तैयारी में। किरण जी करिए उसकी शुरुआत।